तूने ना मेरे को सिर्फ वेट करवाया, कभी बस स्टॉप के सामने, कभी अपने बेस्ट फ्रेंड के घर के नीचे, कभी अपने घर के पास, मैंने सिर्फ तेरा वेट ही किया है बाली। पर अब I'm done. I need a break, बाली। सनी, ये प्यार व्यार, ये शादी कॉम्प्लिकेटेड यार। मुझसे पूछ रहा है? तुझसे नहीं पूछ रहा हूं, खुद को पूछ रहा हूं कि क्यों ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। पहले ठीक था। कैफ्री फिलॉसफी के साथ जीना सिखाया उसने मुझे। I'm really sorry, मैं तुम्हें ये सब क्यों बोल रही हूँ? रोहित, I'm very lonely. I'm very lonely, रोहित. Sorry, यार पूनम. Fucked up big time. ये रहा हम दोनों आराम से अपनी जिंदगी। मैं जानता हूँ तुम किसी और के लिए रो रही हो आज, लेकिन ये मेरी गलती है। Really sorry यार। जाने क्यों ये एहसास, अब तुम ही तो हो जिंदगी में, हाँ तुम ही तो हो जिंदगी रोहित, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ये हॉर्मोन्स, मैं अपनी फिजिकल नीड इमोशनल नीड के साथ कंफ्यूज कर रही हूँ। Why is this happening? अपने आप को ब्लेम मत करो, इट्स नॉट योर फॉल्ट। दो साल हो गए तो इन दो सालों में तुमने किसी के साथ, रोहित कम ऑन, फॉर गॉड्स सेक, तुम मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकते। देन नो, आई हैवंट। लेकिन ये वांट, ये नीड, ये लव, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब नेचुरल है पूनम, तुम्हें इतना समय हो गया तो यू डिजर्व somebody's love. लेकिन मैं इस बात को कैसे जस्टिफाई करूं? मैंने शादी की है अनन्या से। I love her. मैं खुद को इस मेरे इस एक्शन को कैसे जस्टिफाई करूं? रोहित, पहल मैंने की है। देखो, हमारे बीच कुछ ज्यादा हुआ भी नहीं है, ओके? सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ। You know, you can't always be in control. ये तुम्हारी गलती नहीं है, सबके विशेज और डिजायर्स होते हैं। Just that, मैंने शादी की है और उससे प्यार करता हूँ। कुछ समय के लिए I just felt lesser of a man, and तुमने जो किया उसके बाद मेरा बेसिक इंस्टिंक्ट, anyway, it's not your fault. रोहित, तुम जाओ रोहित। हाय। हाय। सॉरी, मैं पूरा दिन तुम्हें कॉल नहीं कर सके। पानी वॉजंट हैविंग अ गुड डे, सो मैं उसी के साथ थी। तुम्हें इतनी देर कहाँ लगे, कहाँ थे? मैं वो फाइनेंशियल मिस
सॉर्ट आउट करने में लगा था। एक दो दिन में काम हो जाएगा। Really? So happy, Rohit. चलो आ जाओ। Merry Christmas, baby. Merry Christmas. आजकल काफी लेट नाइट्स कर रहे हो मिस्टर मेहरा। मिसेस मेहरा गेटिंग बोर्ड। मैं हार्ड वर्किंग लाती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। न्यू ईयर्स के पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। ब्रेकफास्ट इन बेड। But I want to sleep for 10 more minutes. Okay. सारा काम हो चुका है। मंडे तक योर ऑफिस विल बी रेडी। थैंक्स अनन्या। आई मीन अनन्या। अनन्या से आना का सफर तो हम बहुत पहले तय कर चुके हैं रोहित। फैज और गालिब गवाह हैं। यू कैन कॉल मी आना। इट्स गुड। चलो बाय। आई एम ऑफ। सो I should go. I'm sorry. Mom, didn't mean to, you know. पता नहीं क्यों यार ये। Just thinking, office तो complete हो जाएगा कल परसों। हमारा क्या होगा मतलब हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं है रोहित। So. कुछ भी नहीं है हमारे बीच। अच्छा आई डोंट फील लाइक दैट यार। 6 महीने हम साथ रहे हैं तो जाने क्यों एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट फील होता है तुम्हारे लिए। यू नो सम काइंड ऑफ बॉन्ड विद यू। आई डोंट फील एनी सच बॉन्ड। साथ में प्रोफेशनली काम किया है रोहित। दैट्स इट। झूठ नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। झूठ बोलना आता है। आई मीन सीरियसली यार चलो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में जैसे कि तुम्हारा वो एक्स बॉयफ्रेंड 7 साल का रिश्ता उसके साथ। यू नो आई डोंट थिंक तुम्हारे साथ प्रोफेशनली जुड़ा हुआ आदमी ये सब जानता होगा। एंड अबाउट मी मेरे बारे में तुम सब कुछ जानती हो। मेरी फैमिली मेरी बच्चियाँ। रोहित आई शुड गो। सच बताओ ना कुछ नहीं फील होता तुम्हें मेरे लिए। तुम शादीशुदा हो रोहित। यू मैरिड। और तुम्हारे लिए कुछ भी फील करना बहुत गलत होगा। इट्स नॉट राइट। एंड इट्स बेटर कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। गुड नाइट। एक मिनट यार। व्हाट डू यू मीन गुड नाइट? ये कौन तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत? ये सोसाइटी? क्या सोसाइटी की सोच के लिए तुम अपने फीलिंग्स को मार दोगे? अपने इमोशंस को मार दोगे तुम? टेल मी इफ यू डोंट लव मी।
tell me that you don't love me. हमें ये सब नहीं करना चाहिए था. आई फील सो ये ठीक नहीं हुआ है. ये बात ऐसे आगे बढ़नी नहीं चाहिए थी रोहित. तुमने तो अभी तक पूनम से बात नहीं की है. मैंने कहा ना आना, बाली के एग्जाम्स खत्म होते ही बात कर लूंगा. आई मेड अ बिग मिस्टेक. मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था. ये बहुत गलत हुआ. इमोशनल कमिटमेंट तो थी ना, तो फिर ये फिजिकल, इट्स जस्ट सो, इट्स सो रॉन्ग रोहित. नेवर इन माई लाइफ आई हैड अ रिलेशनशिप विद अ मैरिड मैन. मैंने कभी ऐसा नहीं किया. मुझे समझ में नहीं आ रहा आना, तुम्हें इसमें गलत क्या लग रहा है? एक साल हो गया हमें साथ. It's natural. No, it's not. ये natural नहीं है. ये गलत है रोहित. You still married to Poonam. You... यार, listen यार. हाँ मैं है, हम दोनों husband wife है. मेरे बच्चों की माँ है, मेरे घर में रहती है. कभी कभी वीकेंड्स में हम दूसरे दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, पर पूनम और मेरे बीच कुछ है नहीं, कोई फिजिकलिटी नहीं है. हम लोग, यू नो, इट्स अ लवलेस मैरिज. तो ये बात जाकर पूनम से कहो ना तुम. व्हाई आर यू टेलिंग मी? आना, रोहित. हाय. आज बहुत ज्यादा देर नहीं हो गई? ऑफिस का काम अभी तक चालू है? हाँ, वो तो चल ही रहा है, और भी बहुत सारा काम था, क्लाइंट मीटिंग्स एक के बाद एक. हाँ, यू आर लुकिंग कम्प्लीटली फ्लश. आई एम वेरी टायर्ड, लॉन्ग डे. बच्चे, सैटरडे है ना, बाहर गए. रोहित, सैटरडे है. या सैटरडे है. रोहित, आई एम जस्ट सो टायर्ड टुडे. इन फैक्ट आई एम नॉट फीलिंग वेल. क्रोसन ले लो रोहित, और कल संडे है, तुम घर पर ही रहना. रेस्ट वेल. यस, आई हैव टू. सुनो, हमेशा इतनी अंडरस्टैंडिंग कैसे होती? क्रोसन लेकर आती हूँ. रोहित. या तुम जाओ, मैं आ रहा हूं. यार बानी, हेल्प करना. एक से यार, मेरा मन नहीं है. मन नहीं है? लास्ट टाइम तो क्रिसमस काउंटडाउन दिवाली से शुरू कर दिया था, वो भी नॉटी सांता बनके, और अब कुछ भी. हां, ओके गाइस, आई एम लीविंग. ओ निकी, मैं शाम को आ जाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर सजाएंगे. जा. ओके, आओगे? हां. अना, आई कांट फाइंड माय काकीज. वेयर आर माय काकीज? अरे ये रही ना टेबल पे. ओह डैड, डैड मैं भूल जाऊं, उससे पहले कल रात को ऑफिस से आपके लिए पेपर्स आए थे, ले लीजिए. अरे बट तुम तो रात को देर तक ऑफिस में थे ना. हाँ, वो ऑफिस से निकलने के बाद में शायद भूल गए होंगे तुम. ओके गाइस, आई एम लीविंग. क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है, अगर नहीं मिलूंगी तो वो छुट्टी पे निकल जाएंगे. सो आई एम गोइंग. बिजी. रोहित, आई नीड योर आधार कार्ड. वॉलेट भी नहीं, आई थिंक आई माइट हैव लेफ्ट इट एट द ऑफिस. मुझे 2 बजे से पहले चाहिए था पासपोर्ट ऑफिस में नेम चेंज कराने के लिए. मैं ऑफिस पहुंचते भिजवा दूंगा. ओके, बाय. बानी, यू नीड एनीथिंग कॉल मी. ओके, हैव अ गुड डे. बाय. थैंक्स, यू टू. बाय. क्या हुआ, बीमार क्यों लग रही हो? डैड, उसका ना क्रिसमस गिफ्ट मिलने वाला है. आर्या इज़ गोइंग टू डंप हर. निकी, दैट्स रियली इनसेंसिटिव. क्या? व्हाट इज़ इट? डैड, कुछ नहीं हुआ है, आई एम फाइन. निकी बस ऐसी कहानियां बना रही है. इडियट. आई प्रॉमिस. यू कैन टॉक टू मी इफ यू वांट टू. यस डैड, आई एम गुड. श्योर. Today. Nikki. हाँ.
Behave yourself, okay? Okay. पता नहीं क्या हड़बड़ाहट है यार, इतनी क्या जल्दी थी ब्लड टेस्ट करवाने की? यार क्योंकि ब्लड टेस्ट से 100% कंफर्म हो जाता है आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। हाँ वो ठीक है अनन्या मेहरा, तुम्हें क्रिकेट टीम तो खड़ी नहीं करनी है ना। अब जब डॉक्टर कह रहा था 5-6 दिन रुक जा तो रुक जाती। व्हाटएवर, आई डोंट केयर। इनफैक्ट मैं तो अभी प्रेगनेंसी टेस्ट भी खरीदने वाली हूँ, घर जाके चेक करूंगी। हेलो, ये लीजिए मिस मेहरा, आपकी दवाइयाँ। थैंक यू। हाय पूनम। हाय अनन्या, गुड टू सी यू बट आई एम इन अ रश। नो वरीज। अरे मैडम पैसे तो दे दीजिए। अब हाँ कितने हुए? 386। जस्ट हरी अप विद द चेंज। नॉट बैड, हाँ गुड गोइंग। हाँ मैं तो यहाँ मेनोपॉज की दवाई लेने आई थी। नो आई थिंक यू हैव अ लव बाइट। दैट्स इट। हाय पूनम। Oh, is that a hickey? Can you please just hurry up with the change? लीजिए मैडम। It's not that visible, हाँ? थोड़ा foundation लगाना, you'll be able to cover it. अपना घर में निकी बानी। I'm so proud of you. Thank you. Nice. Bye. इसके तो चल रहे हैं यार। धीरे बोल यार तू। Not bad. एक pregnancy kit देना please. Hickey भी। जवानी। Wow. और तुमने मुझे नहीं बताया, मुझे। How could you do that? तुम जानती भी हो मैं कितनी खुश हूँ ये सब देखकर। Frankly, Poo, तुम तो एकदम स्लटीश्वरी निकली। हाँ शीना, just like me. मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा और अभी का फुल फाइनल एंड ऑफ स्टोरी हो गया था, बट दिस इज वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी बेबी। अच्छा तुम लोग ने प्रोटेक्शन यूज किया ना? शीना ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हो जाएगा, डोंट वरी। प्लीज प्लीज प्लीज, यू मस्ट डू वन थिंग फॉर मी प्लीज। जीज के सामने ये जरूर फ्लॉन्ट करना होगी। प्लीज दिखा दो उन्हें कौन लाइफ जी रही है टू द फुलेस्ट। व्हाट से हो गया तुम्हारा? ओके नो मोर सेक्स टॉक। स्टॉप इट याशीना प्लीज। फाइन सी यू लेटर। का लव बाइट ना काफी प्रोमिनेंट था यार। देख ले चेरी, मेनोपॉजल औरतों को हम सिंगल यंग लड़कियों से ज्यादा एक्शन मिल रहा है, वो भी इतने हॉट एंड हैपनिंग बंदे से। नो बट सीरियसली मैं पूनम के लिए खुश हूँ। ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा एंबैरस हो गई थी, एक तो ये लाउड माउथ ब्लडी और ऊपर से वो वैम्पायर बाइट। शी वाज लाइक रियली नर्वस। पता है लेडीज, मैंने सुना है मेनोपॉज के बाद लिपीटो छप्पड़ फाड़ पलंग तो होता है या फिर एकदम ही फुस। व्हाट? हाँ यार मेरी ना एक ताईजी थी, पता 70 साल तक एक्टिव थी। सुना है ताऊजी को दूध में वायग्रा मिलाकर पिलाती थी। That is seriously crazy, यार। I never want to get menopausal, यार। लेकिन ये दिन तो आना है ना जिंदगानी में। यार ये चीट डेज हम और नहीं कर सकते क्या? हाँ शादी से पहले तो तेरे अलग वाले चीट डेज होते थे। Shut up. Vandy is on a roll today, यार। पहले पूनम के पीछे पड़ी हुई थी और अब मेरे। लेकिन तू तो खुश है ना उसके लिए? खुश कैसे नहीं होगी, कभी सौतन कभी सहेली का चैप्टर जो एंड हो गया, सौतन को सेक्स जो मिल रहा है। स्टॉप इट। ओके मैं पूनम से कभी इनसिक्योर नहीं थी, मैं जानती हूँ कि रोहित और पूनम के बीच प्यार नहीं रहा, यू नो। हाँ रोहित अभी भी पूनम से बातें शेयर करता है मुझसे पहले, एज वी ऑल नो, बट दैट्स बिकॉज ऑफ द फ्रेंडशिप एंड कम्फर्ट दे शेयर। आई कांट ब्लेम रोहित फॉर इट, बट आई एम हैप्पी फॉर पूनम दैट शी इज मूव्ड ऑन एंड दैट टू सो वेल। तो चलो पूनम के नाम पर ही पार्टी कर लेते हैं। वही तो कर रहे हैं भाई।